हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं रोटी की बिल्कुल न्यू रेसिपी, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, हेल्दी भी होती है, क्योंकि ये रोटी से बनी है। तो हमने ये 5-6 रोटियाँ ली हैं। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की रोटी है तो आप गिलास से काट के इस तरह से उसको छोटी रोटी कर लीजिए, क्योंकि हमें इसी साइज़ का रोटी चाहिए। तो हमने छोटी छोटी रोटियाँ बनाई थी, तो अब इनको हम अलग रख देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और हमने इसमें खीरा लिया है आधा, और हमने ये किसनू ली है। इससे अब हमें खीरा को एकदम महीन महीन किस लेना है। आपके पास जो भी किसनू हो आप वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम खीरा को किस लेंगे। अगर आपके पास गाजर है तो आप गाजर भी डाल सकते हैं। तो आपके पास अगर जो भी सब्जी है आप वो यूज कर सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों को आप डेली अलग अलग टाइप का नाश्ता बना के देंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो आज हमने ओनली खीरा यूज किया है इसके लिए। आप हर दिन अलग अलग इस तरह से नाश्ता बना के बच्चों को दे सकते हैं। अब हम इसमें एक आलू लिया है हमने, तो हम इसमें एक आलू डाल रहे हैं। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालना है, नमक में ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसमें हम मेयोनीज लिया है हमने, एगलेस मेयोनीज है, आप कोई सही मेयोनीज यूज कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जो कि मोमोज में खाते हैं हम लोग, वही वाला ही मेयोनीज है। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सामान जो डाला था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस तरह से एक रोटी लेंगे और इसमें बीच में इस तरह से इसको फिल कर देंगे इस तरह से। तो हम सारे इस तरह से रेडी कर लेंगे, फिर आपको हम बताते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छे से भरना है एकदम, उसको खाली मत रखना। हमने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, आप चाहें तो रोटी सेकने वाला तवा भी ले सकते हैं। हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसको हमने हल्का सा गरम कर लिया है। अब उसमें हम घी डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसमें रिफाइंड भी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। हमने एक बड़ा चम्मच इसमें घी यूज किया है, और इसको अब हम अच्छे से गरम कर लेंगे, जिससे कि इसमें अच्छा सा कलर आएगा जब हम इसको सेकेंगे। तो ये अच्छे से गरम हो चुका है। अब हमें हल्के हाथों से इसमें इस तरह से फैला देंगे। इस तरह से हम इनको दोनों साइड से सुनहरा कर लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं दूसरी साइड से भी पलट के। तो आप देख सकते हैं गैस को हमने मीडियम रखा था और ये एक साइड से अच्छे से सिक गया है। अब ऐसा ही हमें दूसरी साइड से भी सेकना है, और ऐसे हम सारे रेडी कर लेंगे, फिर आपको हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं रेडी है हमारा टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। बच्चे के लंच बॉक्स के लिए बनाइए, शाम को आप चाय के साथ बनाइए, एकदम क्रंची है। दे देखिए आप, दोनों साइड से एकदम क्रंची बना है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा बच्चों के लिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी है, रोटी से बनाया है। जिस तरह से आप हमारी नई नई रेसिपी रोटी की आती रहेंगी, और आप लोग देखिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। थैंक यू।